वो अपने स्मार्टफोन पर मैसेजेस या फोटोज को हाइड करके या लॉक करके रखते हैं ताकि आपको उसका पता ना चले। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये वो स्टेटमेंट्स होते हैं जो आपने किसी भी डिस्कशन या आर्ग्यूमेंट के दौरान सुने होंगे, लेकिन आपको पता ही नहीं चला और आपको मैनिपुलेट कर दिया गया है। जब वो महसूस करते हैं कि आपके ऊपर उनका कंट्रोल खोता जा रहा है, तब वो आपके थॉट्स और इमोशंस को डाउट में डालते हैं ताकि आप उनकी बातों में आ जाएं। गैसलाइटिंग से डील करने में ये स्टेप आपका सबसे बड़ा वेपन साबित हो सकता है। तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। अगर तुम मुझसे प्यार करते तो ऐसा कभी नहीं करते। तुम कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो रहे हो। तुम हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हो। आई एम श्योर आपने कई बार अपने फ्रेंड्स, पार्टनर्स, कॉलीग्स, बॉसेस या इवन फैमिली मेंबर्स को आपसे ऐसा कहते सुना होगा। पॉसिबल है कि आपने किसी आर्ग्यूमेंट के बाद खुद के लिए हुए डिसीजंस को भी डाउट किया हो, और हो सकता है कि आपने कई बार तो अपनी गलती महसूस ना होने के बावजूद भी खुद को माफी मांगते पाया हो। अगर ऐसा है तो मोस्ट प्रोबेबली आप गैसलाइटिंग का शिकार हुए हैं। शायद कहीं इसके बारे में आपने सुना तो होगा, लेकिन उसका सही मीनिंग और कैसे आपको ये मेंटली अफेक्ट करता है उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। आज अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आप कभी भी एक गैसलाइटर को पहचानने में धोखा नहीं खाएंगे, और इससे बचने के लिए आपको क्या करना है उसकी मोस्ट इफेक्टिव टिप्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और शेयर करने वाला हूं एक बोनस जो आपको ये बताएगा कि आप गैसलाइटिंग से कितना अफेक्ट हो सकते हैं। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं ब्लूम एंड इवॉल्व, जहां हम इस तरह के लाइफ चेंजिंग कंटेंट को आप तक लाते हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज जरूर कर लेंगे, क्योंकि ऐसे साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट पर इतना पावरफुल और इजी टू अंडरस्टैंड वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलता। तो फटाफट से लाइक का बटन प्रेस कीजिए और हमें हेल्प कीजिए इस वैल्यूएबल चैनल को ग्रो करने में और ऐसे वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में। तो चलिए आज समझते हैं गैसलाइटिंग आखिर है क्या और गैसलाइटर्स क्यों ये करते हैं, इसको पहचाने कैसे और कैसे इसको ओवरकम किया जाए, इससे बचा जाए। देखिए, गैसलाइटिंग एक साइकोलॉजिकल टैक्टिक होती है जो अगर हम पर किया जाए तो हम अपने ही नजरिए को, डिसीजंस को मैनिपुलेट कर बैठते हैं और हमें पता तक नहीं चलता। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये वो स्टेटमेंट्स होते हैं जो आपने किसी भी डिस्कशन या आर्ग्यूमेंट के दौरान सुने होंगे, लेकिन आपको पता ही नहीं चला और आपको मैनिपुलेट कर दिया गया है। जी हाँ, इस तरह आपको एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इस फेनोमेना को गैसलाइटिंग क्यों कहते हैं। ये वर्ड 1938 के एक फेमस प्ले गैसलाइट से आया है, जहां एक हस्बैंड अपनी वाइफ को बहुत चालाकी से बहकाने की कोशिश करता है। इसीलिए इस इमोशनल मैनिपुलेशन को गैसलाइटिंग कहा गया है। मगर गैसलाइटर्स आखिर ऐसा करते क्यों है? देखिए, ये मेनली 5 रीजंस की वजह से होता है। पहला, गैसलाइटर्स की सेल्फ वर्थ बहुत लो होती है, यानी कि उनकी मेंटालिटी इतनी छोटी, इतनी इनसिक्योर होती है कि वो तब ही कंफर्टेबल महसूस कर पाते हैं जब वो अपने पार्टनर पर या अपने फ्रेंड्स पर अपनी सुपीरियोरिटी या अपर हैंड एक्सरसाइज कर पाए। ये लोग अपने आप को ज्यादा स्ट्रांग समझने के लिए दूसरों पर अपनी पावर यूज करते हैं। दूसरा, इनकी अपब्रिंगिंग। अगर कोई अपने बचपन में गैसलाइट पेरेंटिंग का शिकार रहा हो तो मुमकिन है कि ये आदत उसने एक सर्वाइवल टैक्टिक्स के रूप में सीखी हो, और उन्हें ये लगता है कि यही सही रास्ता है दूसरों को अपनी बातों का विश्वास दिलाने का। नंबर 3, कंट्रोल फ्रीक मेंटालिटी। अब कुछ लोग गैसलाइटिंग का सहारा लेते हैं अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर कंट्रोल एस्टैब्लिश करने के लिए। जब वो महसूस करते हैं कि आपके ऊपर उनका कंट्रोल खोता जा रहा है, तब वो आपके थॉट्स और इमोशंस को डाउट में डालते हैं ताकि आप उनकी बातों में आ जाएं। नंबर 4, मैनिपुलेशन। मैनिपुलेटर्स आपको गैसलाइट करेंगे ताकि आपका भरोसा और किसी भी एक्सटर्नल हेल्प या सपोर्ट से उठ जाए और सिर्फ उनकी बातों में आकर वैसा ही करें जैसा वो चाहते हैं। और लास्ट होता है मेंटल डिसऑर्डर। जिन लोगों को कुछ खास टाइप के मेंटल इश्यूज होते हैं वो भी गैसलाइटिंग का सहारा लेते हैं। उनकी मोटिवेशन और खुशी सिर्फ आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ करने में होती है। ये एक टाइप के सेडिस्ट होते हैं और नार्सिसिस्ट कहलाते हैं। चलिए अब जानते हैं टाइप्स ऑफ गैसलाइटिंग को। देखिए, गैसलाइटिंग 6 मेन टाइप्स की होती है, तो आइए इनको बड़े ध्यान से एक एक करके समझते हैं। पहली होती है काउंटरिंग। अब आप अपनी सोच पर, थॉट्स पर अगर डाउट करते हैं तो गैसलाइटर आपको ये भरोसा दिला सकता है कि आप गलत हैं या कुछ भूल रहे हैं। मान लीजिए कि आपने अपने पार्टनर से कहा था कि आज शाम आप डिनर के लिए बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन ऑफिस से लौटने पर, डिनर के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होने पर उन्होंने आपसे कहा कि आपने तो उनसे ऐसा कुछ कहा ही नहीं था, और कुछ सेकंड्स के लिए आप सोच में पड़ जाते हैं कि क्या आपने वाकई उनसे ये कहा था या आप कुछ भूल रहे हैं।
ये होता है काउंटरिंग। नंबर टू, विथहोल्डिंग। इस टाइप की गैसलाइटिंग में गैसलाइटर आपसे वो जानकारी या बातें छिपाते हैं जो आपको सही रास्ता दिखाने में मदद कर सकती है। जैसे कि वो अपने स्मार्टफोन पर मैसेजेस या फोटोज को हाइड करके या लॉक करके रखते हैं ताकि आपको उसका पता ना चले। तीसरा होता है ट्रिवियलाइजिंग। अब यहां गैसलाइटर आपके फीलिंग्स और इमोशंस को छोटी बातों के रूप में दिखाते हैं, डाउन प्ले करते हैं। आप जब भी किसी इशू पर उनसे बात करते हैं तो वो उसे अंडर प्ले करके उस टॉपिक को अहमियत ही नहीं देते। चौथा होता है डिनायल। अगर गैसलाइटर के किसी बिहेवियर को आप डिस्कस करते हैं तो वो आपके उस पूरे एक्सपीरियंस को ही नकार देते हैं, झुटला देते हैं। फर्ज कीजिए कि आपके ऑफिस में एक कॉलीग आपके अगेंस्ट गॉसिपिंग करते हैं और जब आपने इस बारे में उन्हें कन्फ्रंट किया तो वो इस बात को ही नकार देते हैं और आपको बताते हैं कि ऐसा आपके बारे में उन्होंने कभी किसी से नहीं कहा। पांचवा है डाइवर्टिंग। अब यहां पर जब आप किसी इशू पर गैसलाइटर से बात करते हैं तो वो उस इशू को छोड़कर बात को किसी दूसरे ही डायरेक्शन में घुमा देता है और आपके इमोशंस को ही क्वेश्चन करने लगता है। जैसे कि आप इस गैसलाइटर को कोई नया बिजनेस आइडिया प्रेजेंट करते हैं और वो उसको पूरा सुनने से पहले आपसे कहता है, ये स्टूपिड आइडियाज तुम्हें कहां से आते हैं। इस तरह की बातों से आप खुद के इमोशंस को ही डाउट करने लगते हैं। आखिरी होता है स्टीरियोटाइपिंग। कुछ गैसलाइटर्स आपको किसी एक स्टीरियोटाइप में डालने की कोशिश करते हैं ताकि आप अपने इमोशंस को वीक समझने लगें, क्वेश्चन करने लगें। जैसे कि अगर आप क्रिकेट अच्छा खेलते हैं पर अपना ओपिनियन किसी और सब्जेक्ट पर दे रहे हैं तो गैसलाइटर आपको कहता है, भाई तेरे ओपिनियंस क्रिकेट के बारे में ही ठीक है, बाकी बातों से तो तू दूर ही रहे। अब इससे आपका मनोबल टूट जाता है। तो अब हमने जान लिया गैसलाइटिंग क्या होती है, किस तरह आपके ऊपर की जाती है और करने वाले की मेंटल स्टेट क्या होती है। मगर सबसे जरूरी बात तो ये है कि हम इससे लड़े कैसे, इसको ओवरकम कैसे करें। तो आइए गैसलाइटिंग को ओवरकम करने के लिए कुछ मेन टिप्स जानते हैं। नंबर वन, बिल्ड सेल्फ अवेयरनेस। आपको अपने फीलिंग्स और थॉट्स के प्रति और ज्यादा जागरूक होना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा। ऐसा करने से आप अपने ही अंदर कॉन्फिडेंट बनेंगे और गैसलाइटर्स को आपको मैनिपुलेट कर पाना इजी नहीं होगा। नंबर टू, सीक सपोर्ट फ्रॉम ट्रस्टेड फ्रेंड्स एंड मेंटर्स। आपके वेल विशर्स हमेशा आपको आपकी सही पर्सनैलिटी से अवेयर करा सकते हैं और इससे आपको एक सेल्फ अश्योरेंस मिलेगा। और उससे क्या होगा, जी हाँ, आप किसी भी मैनिपुलेटर या नार्सिसिस्ट की बातों में आसानी से नहीं आएंगे। नंबर थ्री, ड्रॉ बाउंड्रीज। आपको ये तय कर लेना चाहिए कि आपको किसके साथ किस तरह के बिहेवियर से गुजरना है और उसमें आप कितना स्पेस किसी को अलाउ करने वाले हैं। अपने रिलेशनशिप्स में बाउंड्रीज एस्टेब्लिश करने से गैसलाइटर्स की आपको डोमिनेट करने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। याद रखिए, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में बाउंड्रीज सेट करने के लिए आपको कभी भी कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए। नंबर फोर, डेवलप सेल्फ केयर। अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना और उसे स्ट्रांग बनाए रखना बेहद जरूरी है। गैसलाइटिंग से डील करने में ये स्टेप आपका सबसे बड़ा वेपन साबित हो सकता है। नंबर फाइव, कलेक्ट एविडेंस। आपके पास गैसलाइटिंग के प्रति जवाब देने वाले सबूत होंगे, एविडेंसेस होंगे जो आपके आर्ग्यूमेंट को प्रूव और एस्टेब्लिश कर पाएंगे, चाहे वो टेक्स्ट मैसेजेस हों या किसी और टाइप के एविडेंसेस या डॉक्यूमेंटेशन। ये आपको आगे बढ़ने में हेल्पफुल साबित हो सकते हैं और गैसलाइटिंग को ओवरकम करने में कारगर होंगे। तो आज आपने एक बहुत ही स्ट्रांग बट छिपे हुए मेंटल अब्यूज के बारे में जाना। तो ये बहुत क्रूशियल हो जाता है कि आप कुछ कॉमन गैसलाइटिंग फ्रेजेस को जान ले। मैंने स्क्रीन पर कुछ ऐसे फ्रेजेस और सेंटेंसेस दिखाए हैं जो अक्सर गैसलाइटर्स यूज करते हैं। आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन छोटे छोटे सेंटेंसेस में छुपी गैसलाइटिंग की चालाकियां आपको समझ में आने लगेंगी। एक बहुत जरूरी बात आपको याद रखनी है, गैसलाइटिंग एक डेलिबरेट, एक इंटेंशनल और एक फेज्ड अप्रोच से किया जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि इस तरीके के सेंटेंसेस जब भी बोले जाएं तो वो एक गैसलाइटिंग ही हो। आपको आइडेंटिफाई करने होंगे वो पैटर्न कुछ लोगों के टॉक्सिक बिहेवियर में, जिससे आपको ये पता लगेगा कि ये गैसलाइटर्स हैं। कई बार इनमें से कुछ सेंटेंसेस नॉर्मली भी आपसे कहे जाते हैं। अगर आप वीडियो के इस सेक्शन तक पहुंच गए हैं तो अब मैं आपको देता हूं वो फ्री बोनस जो आपको ये जानने में हेल्प करेगा कि आपको गैसलाइट करना किसी के लिए कितना आसान या डिफिकल्ट हो सकता है। इस टेस्ट को ऑनेस्टली लीजिए और स्कोर के टोटल को इंस्ट्रक्शन के हिसाब से समझिए और जानिए कि कहां आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ये टेस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा, जिसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है। अगर देना है तो वो अपना प्यार इस वीडियो को लाइक करके और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करके।
आई होप आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और नहीं किया तो जरूर कर लीजिए ताकि इस तरीके के वीडियोस जब भी हम अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। विद दैट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप आज आपने फिर कुछ नया सीखा होगा और उस लर्निंग को अप्लाई करके यू विल अनलॉक द 2.0 यू। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ब्लूम एंड इवॉल्व।